अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर ऐसे दो बड़े ऐलान किए हैं जिन्होंने कई देशों को हैरान कर दिया है। भारतीय स्टूडेंट्स जब अमेरिका में पढ़ने आएंगे उन्हें उसी वक्त डिग्री के साथ मैं ग्रीन कार्ड दे दूंगा। भारत की आप ये समझ लें कि एक लक है कि जो भारत का डायस्पोरा है वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन करता है दुनिया के अंदर। अब कैमला हैरिस जो है शी इज अ फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन that she will be contesting for the presidential elections. First woman of Indian origin. President Joe Biden ने अपना नाम वापस ले लिया है, drop out हो चुके हैं United States के presidential race से और Biden ने endorse किया है Vice President Kamala Harris को next president बनने के लिए। अगर Kamala Devi Harris, यानी के Kamala Harris, United States की प्रेसिडेंट बन गई तो ये अमेरिका की हिस्ट्री में एक मिरेकल होगा। एज इंडियन सोसाइटी ग्लोबली इज विल बी टेकन, इंडियन सोसाइटी ग्लोबली विल बी टेकन एज ए सोसाइटी विच कैन इंटीग्रेट। ये है एज। अब पाकिस्तानीज दे कांट गेट इंटीग्रेटेड, वो इंटीग्रेट नहीं होते, उन्होंने पैरेलल फिफ्टम्स क्रिएट की हुई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। इसको ऑब्वियसली चाइना भी बड़े गौर से देख रहा होगा, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा होगा और सिमिलरली ताइवान भी, क्योंकि ताइवान और एक ऐसा इशू है चीन और अमेरिका के दरमियान कि ये बहुत सी चीज़ों को अब एंड कर सकता है। अबाउट कमला हैरिस, लाइक वी आर सो हैप्पी दैट शी इज बीन नॉमिनेटेड अगेन एंड वी रियली सपोर्ट जो बाइडेन एंड कमला हैरिस। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। गूगल हो चाहे दूसरी कंपनीज हो, उसमें जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की वहां पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं और इसके बाद ना हमें कोई घबराहट होती है, ना हम परेशान होते हैं और ना ही हम ये कोशिश करते हैं कि इस पिक्चर के अंदर काश एक पाकिस्तानी की भी पिक्चर हो। के अंदर डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, उनकी जो लीडरशिप है उसमें इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। द क्वेश्चन हियर इज नॉट वेदर दे विल डू समथिंग फॉर इंडिया और नॉट, द क्वेश्चन इज दे लेफ्ट इंडिया और द पेरेंट्स और द ग्रैंड पेरेंट्स लेफ्ट इंडिया इन द अमेरिकन पॉलिटिक्स हु इज एट दिस स्टेज और हिज वाइफ और हस्बैंड एट दिस स्टेज। उसकी वजह यह है कि जैसे कोई पाकिस्तानी खातून किसी गोरे से शादी करना नहीं पसंद करेगी या नहीं कर पाएगी, या करेगी तो उसको मुसलमान करेगी। ये दिस इज वन ऑफ, बहुत सारे लोग कहते हैं दिस इज अ हर्डल, ये एक हर्डल है, ठीक है ना जी, ये चीज कही जा रही है। ठीक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड बैंक, IBM, Adobe, फलां फलां दिस दैट, इनके जो बहुत सारों के जो CEOs हैं वो भी इंडियन रीजन के हैं बहुत सारे लोग, ठीक है जी, और दे हैव दीज एग्जेक्टिव रोल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है, आज भी अगर देखें, अगले दिन मैं देख रहा था कि एलन मस्क ने कुछ शेयर किया हुआ था स्टैटिस्टिक्स दैट जो जो क्या उसे बोलते हैं, जो इंडियंस हैं दे आर द हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप अदर देन आई थिंक द अमेरिकन्स। तो इसको आप इमेजिन कर लें, ये बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटा, ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक, ठीक है, कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो एक ऐसी खातून को नॉमिनेट कर रही है। अच्छा, उससे पहले आप देख लें, शी इज नॉट जस्ट, अब कैमला हैरिस को देख लें आप, ठीक है जी, ठीक है जी, उनकी जो अटेंशन इंडिया में उनको इसलिए मिली बिकॉज ऑफ हर मदर की जो ओरिजिन है, ठीक है जी, और बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और जो जो कैमला हैरिस के जो फादर हैं वो इज अ जमैकन अमेरिकन थे, ठीक है जी, सो शी इज अ पर्सन ऑफ कलर, ये भी एक चीज है वहां पे है, ठीक है, और एंड बैक इन 1964 शी वॉज बॉर्न इन कैलिफोर्निया में पैदा हुई तो बड़ी वो सिविल राइट्स और इन चीजों में बड़ी एक्टिव रही, और उनकी जो वालदा है, मतलब आप इमेजिन करें, वो शी वाज अ ब्रेस्ट कैंसर साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, और उनके वालिद जो थे ही वाज अ प्रोफेसर एमेरिटस ऑफ इकोनॉमिक्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये आप इमेजिन करें, दिस इज अ लेवल ऑफ द क्लास, मतलब उनकी जो जो वालदा है वो उस दौर में ब्रेस्ट कैंसर की साइंटिस्ट, that's how मतलब she got into this profession or civil rights movement आना नहीं करना। और ये जो चीजें हैं मैं समझता हूँ, जरूरी नहीं है कि उनकी माँ ने उनको ये कहा हो कि तू जो है ना इंडिया नु जाकर रिप्रेजेंट
ठीक है ना, हर जॉब इज टू प्रोटेक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, जॉब इज नॉट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कैमला हैरिस के उसमें प्लेट में नहीं है, ये उसका कारोबार नहीं है कि मैंने उसको बचाना है. द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज ये लॉयल्टी, इस चीज की लॉयल्टी पे उसको इज्जत मिलेगी. भारत में काम करने के लिए नहीं मिले, भारत का उससे क्या ताल्लुक होगा भाई. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो आ रहा है कि जो डायस्पोरा है हाउ मच हेल्दी कॉन्ट्रीब्यूशन इट इज डूइंग इन इंडियन सोसाइटी. अ लेडी, शी विल बी द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की पहली खातून सदर होंगी. और सिर्फ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि शी इज द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट एंड द हाईएस्ट रैंकिंग फीमेल ऑफिशियल इन यूएस हिस्ट्री, एज वेल एज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन एंड फर्स्ट एशियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट. लेकिन एक और बहुत अहम बात, कमला हैरिस यानी कि कमला देवी हैरिस की मदर इंडिया से हैं. तो कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन से हैं, एक इमिग्रेंट की बेटी हैं, इमिग्रेंट मदर की बेटी हैं. सबसे बड़ा ऐश तो ये है कि वो खातून हैं. और हो सकता है कि अमेरिकन्स देखना चाहें कि हिस्ट्री बदल जाए अमेरिका की और फर्स्ट टाइम कोई वुमेन प्रेसिडेंट आ जाए तो तारीख में ये लिखा जाएगा. तो अगर तो ये रिकॉर्ड बनाना है तो फिर लोग उनको वोट करेंगे और वुमेन वोट तो उन्हीं को पड़ेगा, रिपब्लिकन्स का तो मेरा नहीं ख्याल के पड़ेगा. हाँ, डेमोक्रेट्स का हो सकता है और भी बहुत सारी रिपब्लिकन्स में जो कि फेमिनिस्ट हैं, ठीक है ना. एक तो ये उनको एज हासिल है, दूसरा ये है कि वो एक इमिग्रेंट की बेटी हैं, तो जो इमिग्रेंट्स हैं उनके वोट भी उन्हीं को जाएंगे. इंडियन इमिग्रेंट्स बड़ी तादाद मौजूद है अमेरिका में, हो सकता है कि इंडियन इमिग्रेंट्स के वोट भी उनकी तरफ जाएं. बहुत सारे रिपब्लिकन्स इंडियन इमिग्रेंट्स अगर हों तो उनके वोट्स भी चेंज होके इनकी तरफ चले जाएं. ऐसे बहुत सारे जो हम देख रहे हैं कि काफी उनको सपोर्ट रहेगी, कुछ कंट्रीज जो हैं वो उनको ये पसंद नहीं आएगा कि कमला हैरिस बने. अब जैसे कि पाकिस्तान में जब ये जेडी वैंस को ट्रंप ने अनाउंस किया तो उनकी वाइफ उषा वैंस इंडियन इमिग्रेंट्स की बेटी हैं वो भी, तो मतलब ये तो पसूड़ी पड़ गई कि भाई ये क्या होगा. तो वहां पर पिटन पड़ गया कि जी ये वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी नॉमिनेट किया है तो वो भी उन्होंने इंडियन ओरिजिन से एक ऐसी उनकी वाइफ हैं जो कि मतलब जाहिर है कि वो तो खाते भी वेजिटेरियन है, उन्होंने बताया है जेडी वैंस, और वो बहुत पसंद करते हैं इंडियन फूड और सब कुछ. तो फिर उन्होंने कहा कि जी ये तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ जो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट है वो भी खातून है और उनका भी कहीं ना कहीं से रिश्ता जो है वो भारत से बन रहा है. मीम्स चल रही हैं कि जो जिनको हमने छोड़ा वो भी बहुत खुश है और जिन्होंने हमको छोड़ा वो भी बहुत खुश. इंडियन सोसाइटी ग्लोबली इज विल बी टेकन, इंडियन सोसाइटी ग्लोबली विल बी टेकन एज ए सोसाइटी विच कैन इंटीग्रेट. ये है एज. अब पाकिस्तानीज दे कांट गेट इंटीग्रेटेड, वो इंटीग्रेट नहीं होते, उन्होंने पैरेलल फिफ्टम्स क्रिएट की हुई है. दे मीट एंड ग्रीट, मतलब वो बड़ी मुश्किल से उनको गोरा मिलता है. मैं आपको मजे की बात बताऊं, कभी कभी जब इन्होंने पाकिस्तानियों ने कोई इस तरह के फंक्शन करने हो जहां पे वो दे वांट टू शो कि भाई हमारा जो है ना वो ऐसी चीज है, तो वो उनको मुश्किल पड़ जाती गोरे ले आने च. वो चंगे जो गोरे भी चार लै वो यार शादियां दे फंक्शन दे ताकि लगे हम अमेरिका में है. ज्यादा सारे इंडियन वो पाकिस्तानी होते हैं या मुश्किल से कोई इंडियन आ जाएगा. बंगालियों के साथ भी लंबी चौड़ी नहीं होती या नेपालियों के साथ भी नहीं होती, इंडियंस के साथ होती है इनकी. सो आई थिंक दिस इज व्हाट अ डिफरेंस शुड बी. ये चीज है जिसको करने की जरूरत है कि आपको यू नीड टू इमर्ज एज ए क्लास, एज ए सोसाइटी, एज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन मल्टीकल्चरलिज्म. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFZ को. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.